न्यूज़ युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जाएगी, जिससे जिले में एक भी कोरोना संक्रमित सामने नहीं आए। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो आगे कुछ आवश्यक सुविधाएं चालू की जा सकती है। अगर कृषि उपज मंडी को चालू किया जाता है तो व्यापारियों से बैठकर विचार विमर्श किया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके, जिसके लिए सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बार या तहसील बार लोगों के लिए आंशिक रूप से मंडी खोलना तय करेंगे, जिसमें मंडी समिति की भी राय ली जाएगी। मंडी में व्यापारियों और पल्लेदारों को भी मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोगों का साथ रहेगा। ये तभी संभव होगा जब जिले के लोग इसकी ठीक से पालना करें, जैसा कि अभी तक करते आए हैं, जिससे कोई भी नया केस जिले में नहीं मिल पाए। वक्तव्य दिया है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि अगले एक हफ्ते हमें लॉकडाउन की बहुत सख्ती से पालना करनी है और लॉकडाउन को भी 3 मई तक एक्सटेंड किया गया है। और अगला हफ्ता आने वाला हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें कि अगर हम लोग नए पॉजिटिव केसेस को अवॉइड कर पाते हैं तो ज़रूर आगे कुछ आवश्यक सुविधाओं की और चीज़ें चालू हो सकती हैं, और मंडी भी उन्हीं में शामिल है। तो हमारे लिए ये हफ्ता बहुत आवश्यक है लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवाने के अनुसार। और साथ ही साथ व्यापारियों ने भी यही हमको एक ज्ञापन दिया है कि अभी वो 20 अप्रैल तक इसको नहीं खोलना चाहेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना मंडी में करवाने के लिए आवश्यक तैयारी की भी आवश्यकता है। और ये भी मान के चलना है कि मंडी को चलना तो है ही, उसकी हमें पूरी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 20 अप्रैल के बाद इसका आकलन करेंगे, और तब तक हम लोगों ने यहाँ पे मौका भी देख लिया और एक सिस्टम भी तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किस तरह से मंडी चलाई जा सकती है। किस सिस्टम पर विचार हुआ, जैसे ग्राम पंचायत? कई सिस्टम्स हम लोग ने इस पर विचार किया है, लेकिन सबसे उपयुक्त हमको यही लग रहा है कि ग्राम पंचायत वार या फिर तहसील वार, जिस भी हिसाब से बेहतर सिस्टम रहेगा, हम लोग मंडी आंशिक रूप से खोलना तय करेंगे, और उसी हिसाब से ताकि स्पेस ज्यादा मिले अपने को और लोग कम हो, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।